नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद रावत और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल मेरो पहाड़ियों के तेरह पर। आज के इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ मेरे घर से रुद्रप्रयाग के बीच का जो सफ़र और प्रकृति के कुछ नज़ारे। अभी मैं अपनी वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ तो शुरुआत में कुछ गलतियाँ और एडिट करने में कुछ परेशानी आ सकती हैं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा और आप लोग मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। और चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो आप मेरे सामने पे देख रहे हैं ये है हरियाली देवी का मंदिर, जो काफ़ी ऊँचे पर स्थित है और काफ़ी ज़्यादातर लोग जानते होंगे इस मंदिर को। आजकल पहाड़ों का मौसम हरियाली का, पर ये वीडियो थोड़ा पहले की है तो मैं इसको बाद से अपलोड कर रहा हूँ। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। अभी एडिटिंग में थोड़ा दिक्कत आ सकती है क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो रहने वाली है तो, और ये एंड प्योर 125 का ये पहला मोटो ब्लॉग कह सकते हैं इसको, और इतने अच्छे से न बना हो। ये आम का पेड़, काफ़ी आजकल काफ़ी आम लग चुके हैं पहाड़ों में, अब आम का सीज़न भी आ चुका है। जो अभी मैं जाइए क्विली पे, क्विली जो मेरे गांव से 8-9 किलोमीटर की दूरी पर होगा, वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। ये सफ़र रुद्रप्रयाग तक मैंने इस वीडियो में नहीं दिखाया है, और अगली वीडियो अगर मुझे अच्छा रिस्पांस मिलता है यूट्यूब से, तो आप सभी लोगों का मुझे सपोर्ट मिलता है तो मैं वीडियो को कंटिन्यू रखूँगा। तब तक आप आनंद लीजिए मेरी वीडियो का। फर्स्ट मोटो ब्लॉग में थोड़ा मुझे बोलने में हिचकिचाहट हो सकती है, कैमरे के सामने में आने में थोड़ी परेशानी है, और धीरे धीरे अगर मैं वीडियो बनाऊँ धीरे धीरे मैं यूट्यूब पे वीडियो कंटिन्यू रखूँगा, ये सब दूर भी करने की कोशिश करूँगा और काफ़ी अच्छे आपको मेरे चैनल के थ्रू वीडियो देखने को मिलेगी। नीचे जो गाँव है ये मदोला और कोटी जो गाँव पड़ते हैं ये भी मेरे घर से 10-15 किलोमीटर की दूरी पे होंगे, तो तब तक आप आनंद लीजिए मेरी वीडियो का।